9 मई को जन्मे व्यक्ति पैशनेट बहुत होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, आवाज में इनके जादू होता है, एक रॉयल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, काफी रौबदार, घर गाड़ी कपड़ा भोजन सब इनको रॉयल चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, शानदार चाहिए। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है, हमेशा होपफुल रहते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं, जीवन को भरपूर जीने में ये लोग विश्वास रखते हैं। ये लोग अपने भाग्य के स्वयं निर्माता होते हैं, शारीरिक रूप से तो मजबूत होते ही हैं, मानसिक रूप से भी बेहद प्रबल होते हैं, बड़े बड़े काम में जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं, इसीलिए इनमें गजब का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। ये लोग यथार्थवादी होते हैं, धन कमाने की और संपत्ति जमा करने की इन लोगों में प्रबल इच्छा रहती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित होते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इन्हें मैनेजमेंट और निरीक्षण संबंधी कार्यों में देखा जा सकता है। इनके मित्र भी अधिक होते हैं और शत्रुओं की संख्या भी इनकी कम नहीं होती, क्योंकि ये लोग जोखिम लेने से भी डरते नहीं हैं। इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खतरों का सामना करने में निकल जाता है। एग्रेसिव तो होते ही हैं, जिद्दी भी खूब होते हैं, जो मन में ठान लिया पूरा करके ही दम लेते हैं। इन लोगों के अपने कुछ नियम बनाए होते हैं, यानी कि ये लोग अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, समय पर काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, उदार दिल के भी होते हैं, भावुक बहुत होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। धन के मामले में भी ये लोग भाग्यशाली ही साबित होते हैं, भले ही इनके पास जमा पूंजी हो या ना हो, धन को लेकर इनके कोई भी काम रुकते नहीं हैं। अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को लिखना ये लोग जानते हैं। समय के साथ चलने वाले लोग हैं, पुरानी मान्यताओं के साथ साथ आधुनिकता का संगम, इनसे अच्छा सामंजस्य और कौन स्थापित कर सकता है। क्रेजी बहुत होते हैं, थोड़े से गुस्सैल, थोड़े से अग्रेसिव, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना इनका पैशन हो सकता है, क्योंकि जोखिम लेने से ये लोग तो बिल्कुल घबराते ही नहीं है। अपनी उम्र से काफी छोटे नजर आते हैं, यानी कि इनके चेहरे से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है। काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं, जोशीले होते हैं, जुनूनी होते हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना इनकी भीतर होती है, और यही कारण है कि ये लोग तेजी से सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। काम में ईमानदारी, निर्णय लेने में बेहतरीन क्षमता, जोखिम लेने में सक्षम, आत्मविश्वास से भरपूर, तेज बुद्धि, तेज तर्रार, बोल्ड इमेज, बड़े से बड़े मसले का हल इनके पास होता है, रिस्पॉन्सिबल, एनर्जेटिक, क्विक डिसीजन लेने में सक्षम, इनकी सफलता के मूल मंत्र हैं। 9 मई को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है वृषभ, जिसके स्वामी हैं शुक्रदेव। कुंडली में सूर्य आपकी जिस राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भलीभांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने करियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने डेस्टिनी को नंबर को देखकर, अपने भाग्यांक के अंक को देखकर चूज करें, क्योंकि हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी। इसलिए आप सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी मंथ के अनुसार अपने करियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 9 मई को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर मंगल और वृषभ राशि के शुक्र का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। वृषभ राशि का शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का, धन संपदा, व्यय का द्योतक है। ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना पसंद करेगा। ऐसा व्यक्ति सादगी और निर्धनता में जीवन व्यतीत करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति अमीरों से यानी कि धनी परिवेश से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। संगीत, कला, आभूषण, बहुमूल्य ज्वेलरी पहनना, श्रृंगार करना, चटपटा गरिष्ठ भोजन खाना, मिठाई खाना, धन संपत्ति से ये लोग बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं।
वृषभ राशि के शुक्र वाले कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि कंफर्ट जोन में ही ट्रैवलिंग करना पसंद करेंगे, रिस्क लेने से दूर भागेंगे। इनका मानना है कि जीवन आनंद से भोगने के लिए है, कष्ट और यात्राएं सहने के लिए नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति भोग विलास में, ऐशो आराम में, नशीली पदार्थों में, इन वस्तुओं में, देर रात तक होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, नाचना गाना झूमना, आनंदित अपने आप को करना, ऐसा जीवन व्यतीत करने की ये लोग कल्पना करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग काव्य, साहित्य, लेखन, किसी कला के क्षेत्र में, इसमें भी ये गहरा रुझान रखते हैं। कुल मिलाकर वृषभ राशि का शुक्र भोग विलास की प्रवृत्ति देता है, कंफर्ट जोन में रहने की बात करता है, जबकि मंगल रिस्क टेकर है, जोखिम लेने से घबराता नहीं है। शुक्र प्रेम और रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है, तो मंगल आपकी पर्सनैलिटी का। अब दोनों एनर्जी मिलकर ऐसे व्यक्ति को एग्रेसिव बना देगी, कामुक प्रवृत्ति का बना देगी, इमोशनल बना देगी, लेकिन जीवंत बना देती है। इन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, यहाँ तक कि प्यार में भी। ये लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं, लाइफ में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति का हो सकता है या फिर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, लेकिन एक जबरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक होगा। अब कुंडली में अगर शुक्र और मंगल अच्छी और मजबूत स्थिति में होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने सिद्धांतों से, अपने विश्वास के लिए जाना जाएगा, समाज में बहुत ही ज्यादा सम्मानित होगा। विलासी प्रवृत्ति का होगा लेकिन खुशहाल समृद्ध जीवन व्यतीत करेगा। विनम्र स्वभाव का होगा मगर अहंकारी भी होगा, लोगों द्वारा इसकी सराहना की जाएगी, प्रशंसा के पात्र होगा, सभी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने वाला होगा, यानी कि इसका भौतिक जीवन सफल माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति बातों में साहसी होगा, बातूनी होगा, लेकिन विभिन्न स्रोतों से धन कमाने वाला भी होगा। ऐसे व्यक्ति में काम वासना बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगी, कई बार तो जातक स्वयं पे नियंत्रण भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक भी माना गया है, मंगल रक्त का कारक माना गया है। तो शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौनिच्छा, वीर्य का कारक माना गया है, जिस कारण व्यक्ति में कामोत्तेजना बलवती हो जाती है। कुंडली में अगर शुक्र और मंगल सामान्य स्थिति में है तो जातक अपनी यौन इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा, वो परिस्थिति अनुसार खुद को कंट्रोल कर सकेगा। अगर कुंडली में मंगल ज्यादा प्रभावी होगा और शुक्र कमजोर होगा तो ऐसा जातक दुष्कर्मी बन सकता है, क्योंकि मंगल उसे यहाँ पर अतिचारी, व्यभिचारी बना देगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक जाकर अपनी यौन इच्छा पूरी करना चाहेगा। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति में केवल यौन इच्छा प्रबल होती है, उसने प्रेम जागृत नहीं होता। और अगर इसके विपरीत शुक्र बलवान होगा, मंगल कमजोर होगा, तो ऐसा जातक संतुलित होगा, सदा हुआ होगा और नियंत्रण रखने वाला होगा अपने यौन व्यवहार पर। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम पहले है और यौन इच्छा बाद में। ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर की इच्छाओं का ख्याल रखते हुए ही यौन संबंध बनाएगा। कुंडली में अगर मंगल और शुक्र दोनों ही संतुलित अवस्था में हैं तो इनके अनेक विपरीत लिंगी मित्र होते हैं और सबके साथ ये एक समान व्यवहार करते हैं। शुक्र दैत्य गुरु है, जिनके पास संजीवनी विद्या थी, और मंगल धरती पुत्र है, यानी कि वनस्पति, जड़ी बूटी की जननी। ऐसा व्यक्ति गूढ़ चिकित्सक हो सकता है, एक प्रसिद्ध सर्जन भी हो सकता है। अगर मंगल और शुक्र खराब स्थिति में हुए तो ऐसे व्यक्ति को कफ की समस्या, सांस संबंधी समस्या ज्यादा होती हैं। ऐसा व्यक्ति कड़ी मेहनत करके भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएगा, सफलता हासिल करने के लिए लगातार उसको कड़ा संघर्ष करना होगा। उसे अपने जीवन में लगातार असफलताएं देखनी पड़ेंगी, झूठ और अपमानजनक स्थिति का शिकार होना पड़ेगा, यहां तक कि उसके चरित्र पर भी आंच आ सकती है। रिश्तेदारों के साथ भी उसके मतभेद बने रहेंगे, शत्रुओं से परेशान कर सकते हैं, भाई बहनों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, धन की स्थिति कमजोर रहेगी, उसे अपने वैवाहिक जीवन में कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति अगर ज्यादा गंभीर हुई तो तलाक की स्थिति भी बन सकती है। धन कमाने के लिए गलत तरीका अपनाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति चारित्रिक और नैतिक रूप से भ्रष्ट हो सकता है, यहाँ तक कि काम इच्छा प्रबल होने पर या मल्टी रिलेशन होने पर यौन रोग होने की संभावना भी इनमें बन सकती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से काफी अशांत रहेगा। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब रहेगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने में काफी दिक्कतें आएंगी, जमीन जदम बनाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर तैश में आने वाला होगा, बहस करने वाला होगा, इसके विरोधियों की, इसके शत्रुओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि इसकी जान का खतरा भी बना रह सकता है। ऐसे व्यक्ति की अपने परिवार में
मित्रों से बिल्कुल भी नहीं बनेगी। वहां पर भी इनके वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। समाज में इनके मान सम्मान में कमी होगी। ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग आकर्षण में ज्यादा पड़ा रहेगा। कुंडली में आपके मंगल और शुक्र की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका मंगल कैसा है, आपका शुक्र कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब मंगल और शुक्र के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ऐसे में आपको डिप्रेशन से बचना होगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। जितना ज्यादा हो सके खुले और साफ वातावरण में रहिए। मानसिक परिश्रम के साथ साथ शारीरिक परिश्रम भी जरूरी है। अपने भोजन पर पूरा ध्यान रखिए। सुबह शाम की सैर के साथ योग और प्राणायाम को अपनी दैनिक जीवनचर्या में जरूर शामिल करें। गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। तेज और धारदार औजारों का प्रयोग भी संभाल कर करें। बजरंग बली की शरण में रहें। और हाँ, जब परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 1, 2 और 3। 1 का अंक सूर्य देव, 2 का अंक चंद्रदेव और 3 का अंक गुरुदेव। आपके सम अंक समान अंक हैं 6 और 7, यानी कि 6 का अंक शुक्रदेव और 7 का अंक केतु। आपके शत्रु अंक होते हैं 4, 5 और 8। 4 का अंक राहु का, 5 का अंक बुध देव और 8 का अंक शनि देव का। आप लोगों की शुभ तिथि है 9, 18 और 27। आपके शुभ दिन शुभवार हैं ट्यूसडे थर्सडे। आपके लिए शुभ रंग होता है लाल, लाल के सभी शेड्स, गुलाबी, पिंक कलर, मैरून कलर, नारंगी कलर, ऑरेंज के सभी शेड्स। जितना ज्यादा हो लाइट शेड प्रयोग में लाएं। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हों, यानी कि 21 मार्च से 27 मई और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य जन्मे लोग। और इस बीच में अगर आपके साथी का जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 जून से 27 अगस्त और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। और इस समय के बीच में अगर आप 9, 18 या 27 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।